दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का बुधवार को 6 महीना पूरा हो गया है। बुधवार को ही मौजूदा केंद्र सरकार को लगातार सत्ता में बने 7 साल भी पूरे हो गए। किसान इस दिन को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं और इस पर किसान नेता हनान मौल्ला ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। मुद्दा यही है, किसान 6 महीना से लड़ाई लड़ रहा है, 3 काला कानून वापस लो और MSP का कानून बनाओ, जो कि किसान के जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। मगर सरकार जनता के आवाज़ अनदेखी करके जबरदस्ती वो काला कानून लागू करने का कोशिश कर रहा है, इसलिए इसके खिलाफ 6 महीना से किसान पूरा देश का आंदोलन कर रहा है। ये इतिहास में भारत का सबसे बड़ा, सबसे एकताबद्ध, सबसे शांतिपूर्ण किसान आंदोलन है, जो कि आज 6 महीना पूरा हुआ है। हम बार बार बोल रहे हैं, जहाँ आंदोलन चर्चा से समाधान हो सकता, सरकार और किसान के बीच में, सरकार बोलता है हम तैयार है, कहाँ है? हम लोग लेटर दिया है 1 महीना पहले प्रधानमंत्री को, ये बहुत लंबा हो गया, आपका जिम्मेदारी है चर्चा करो, अपना नागरिक का समस्या हल करो। मगर अनफॉर्चुनेटली सरकार आज नहीं चर्चा कर रहे, इसके अलावा खिलाफ आज पूरे देश में किसान प्रतिवाद करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए पूरा देश में काला दिवस। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।